नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे इस नए सुविचार के साथ कि ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने शब्द ही ऐसे ताकत से बोलने चाहिए कि सामने वाले पर उसका प्रभाव छोड़ जाए, कि हम अपने आवाज़ में इतनी ताकत नहीं कि मतलब चीखने चिल्लाने से वो काम नहीं होगा। हमें अपने शब्द ऐसे बोलने चाहिए कि सामने वाला, चाहे आप धीमी आवाज़ में ही क्यों ना बोल रहे हो, वो शब्द सुनकर प्रभावित हो जाए। क्योंकि चीखने चिल्लाने से ना सिर्फ हम अपना मानसिक संतुलन होता है, या गुस्से में बोलने से ना सिर्फ वही मानसिक संतुलन ही खो देते हैं और कुछ नहीं होने वाला। अगर आप शब्द ही ऐसे बोलोगे ना, चाहे प्यार से भी बोलो, मतलब सामने वाला जिससे कि प्रभावित हो जाए तो उस पर अपनी छाप छोड़ जाए। तो कहते हैं कि अगर हम जो फसल, जो हमारे खेतों में फसल होती है ना, वो बारिश अगर मतलब धीरे धीरे वो झमझमाझम बारिश होती है ना, रिमझिम वाली, उससे उगती है, अगर बाढ़ आ जाए ना तो वो सब कुछ बहा के ले जाती है। ठीक उसी तरह गुस्से में बोले गए शब्द कि हमें खुद ही नहीं पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, तो वो सब कुछ जो काम बन रहा होता है ना, तो वो भी बिगड़ जाता है। इसलिए अपने शब्द मतलब आवाज़ को कंट्रोल में करके शब्दों में अपनी ताकत लगाएं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये सुविचार, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करी है मैंने सुबह के 8 बजे हुए हैं लगभग, और आज मैं लेट उठी थी, 7 o'clock उठी थी, क्योंकि बच्चों के ना स्कूल का टाइमिंग चेंज हो चुका है। आराध्या को 9 बजे जाना है स्कूल, और शिवाय की हो रही है तबीयत ख़राब, उसको देखती हूँ अभी भेजना है या नहीं भेजना है। और यहाँ पे मैंने आज सब्ज़ी बनाई थी, मिक्स वेज सब्ज़ी, मतलब कि आलू गोभी मटर और गाजर की सब्ज़ी बनाई थी। और मैंने नाश्ते के लिए बनाई थी जमे, जो कि नमकीन सेमियाँ होती हैं, वो बनाई थी। और इनको खड़ा कर दिया चाय के लिए। एक्चुअली चाय लेट काम कर रही हूँ ना मैं, फिर चाय ना यही बनाते हैं डेली, तो अब मैं बनाती हूँ तो मेरे हाथ से अच्छी नहीं बनती है चाय, और ये बनाते हैं तो इनके हाथ से अच्छी बनती है चाय, तो मैं इनको ही खड़ा कर देती हूँ चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन के हो चुकी है तैयार, और मैं काट रही हूँ धनिया, और हम साथ में खड़े होके कर रहे हैं डिस्कस कुछ बातें। और हाँ, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो मकर संक्रांति 14 फरवरी को, यानी कि 14 फरवरी को होती है, लेकिन इस बार 15 फरवरी को मकर संक्रांति हुई है, तो हमने भी 15 फरवरी को ही मनाई है मकर संक्रांति। तो आज आराध्या का भी फर्स्ट डे है, स्कूल इसके ओपन हो चुके हैं, 1 वीक ना इसकी ऑनलाइन क्लासें चली हैं, तो वो ऑनलाइन क्लासें अब ख़त्म हो गई हैं। शिवाय की तो छुट्टियाँ थी 13 तक, और इनकी आराध्या की सिर्फ ऑनलाइन क्लासें चली थी, तो अब ये आज से जाएगी स्कूल, और शिवाय का भी आज से स्कूल है। और ठंड बाहर ना बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि धूप तो पूरा दिन निकलेगी नहीं, और बाहर निकलते ही बिल्कुल हाथ बर्फ़ के जैसे बन जाते हैं। मतलब अब देखते हैं बच्चों का, बेचारों का क्या हाल होगा स्कूल में। और हाँ, वैसे टाइमिंग तो चेंज हो गया है ना, आराध्या का स्कूल हो गया है 9 से 3 बजे का, शिवाय का भी वही सेम टाइमिंग है, तो ये 9 से 3 बजे, तो पहले इनका टाइमिंग था 7:30 से 1:45 बजे तक का था, और अब 9 से 3 बजे तक का कर दिया है इन्होंने। लेकिन टाइमिंग तो चेंज हुआ है, लेकिन वही है ना कि ठंड तो पूरा दिन ही होती है, क्योंकि धूप तो निकलती नहीं है, अगर निकलती है दोपहर में थोड़ी बहुत देर निकलती है तो फिर गायब हो जाती है। तो अब देखते हैं, आप जब आएंगे वापस तभी पूछेंगे इनसे कि तुम्हें ठंड लगी थी क्लास में या नहीं लगी थी। और शिवाय की अब देखती हूँ वो जाएगा या नहीं जाएगा स्कूल, जब उठेगा तभी पता चलेगा उसकी क्या सिचुएशन है। और मतलब उसका ये होता है कि आते ही ना वो, जैसे कहीं बाहर से आते हैं हम, तो आते ही उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन 2 दिन तो ठीक रहा, तीसरे दिन पता नहीं क्या। हम गांव गए जब इसकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन वहां जाके दवाई भी नहीं ली मैंने, जो यहां से दवाई लेके गई थी ना मैं, वही खाता रहा ये, और उससे बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अब यहाँ पे आते ही 2 दिन में फिर से इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। पता नहीं, पूरी सर्दियाँ इसका यही चलता रहता है, खांसी जुकाम फीवर, खांसी जुकाम फीवर। एक बार ठीक होता है, एक आध हफ्ते के लिए ठीक होता है, फिर से इसकी वो मतलब तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना दी है, और हमारी नाश्ता भी बन के हो चुका है तैयार, और लगभग हमारी चाय भी बन चुकी है। तो अब मुझे, बच्चे सो रहे हैं तो इनको खड़ा करना है नाश्ते के लिए। We'll be right back.
हमारा नाश्ता वगैरह कंप्लीट हो चुका था, मैंने किचन भी साफ कर ली थी और आराध्या को तैयार करके स्कूल भेज दिया है। शिवाय को नहीं भेजा है स्कूल क्योंकि इसकी हो रही है तबीयत खराब। और मतलब ये सुबह उठाना तो इसे हल्का हल्का मैंने चेक किया तो फीवर था और इसे खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसे मैंने मतलब स्कूल की यूनिफॉर्म तो पहना दी लेकिन भेजा नहीं है स्कूल। और अब इसको मैं दे रही हूँ यहाँ पे निमोलाइज कर रही हूँ क्योंकि जब भी इसे खांसी होती है ना तो सीधा छाती में कंजक्शन होता है तो वो बिना निमोलाइज के ठीक नहीं होता है। तो मैं इसे अब हमने ये मशीन घर पर ही ले रखी है ताकि घर पे, क्योंकि बार बार डॉक्टर के पास जाने में भी दिक्कत होती है तो सारे बच्चे ले लेते हैं इससे भाप, तो इसको अब दो बार भाप देनी है मुझे दिन में, तब जाके इसकी खांसी थोड़ा ठीक होगी। और आज पूरा दिन इसी में ही जाने वाला है क्योंकि इसकी तबीयत ना बहुत ख़राब थी, रात को हर चार चार घंटे में इसे बुखार चढ़ रहा था। मतलब दवाई अभी 6 घंटे में देनी होती है पैरासिटामोल, तो इसे 4 घंटे में बुखार चढ़ रहा था और ठंड के साथ बुखार चढ़ रहा है, बहुत तेज़ कांपने लग जाता है ठंड में जब इसे बुखार होता है और हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, माथा गर्म हो जाता है, मतलब डर सा लगने लग जाता है। फिर मैं हाथ पैरों की इसकी मालिश करती हूँ तब जाके थोड़े गर्म होते हैं, और दवाई देने के बाद भी कम से कम आधा से 1 घंटा लग जाता है इसका, 1 घंटा तो लग जाता है फीवर उतरते उतरते, फीवर उतरने में बहुत टाइम ले रहा है, और 1-2 घंटा उतरता है फिर इतने फिर दोबारा चढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब देखते हैं, इसकी दवाई तो चल ही रही है और अब इसको फिर कैसे भेजती स्कूल क्योंकि वहाँ 4 घंटे में से फीवर आ जाता है और वीकनेस भी बहुत हो रही है, तो इसलिए आज इसका स्कूल कर दिया है मैंने पोस्टपोन। अब देखते हैं, 2-3 दिन तो मुश्किल ही जा पाएगा क्योंकि अब फीवर पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको करने में, 3 से 4 दिन तो लग ही जाएंगे। और अब देखते हैं क्या होता है इसका। और यहाँ पे अब मेरा सारा काम भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, कपड़े भी मैंने धो दिए थे और जो नाश्ता वगैरह किचन साफ़ कर दी थी, पोछा वगैरह लगा दिया था, उसके बाद मैंने इसे भाप देने स्टार्ट कर दी। पहले से धीरे धीरे ना सारी दवाइयाँ पिलानी शुरू करी थी मैंने, दवाइयाँ पीने के बाद फिर इसकी भाप स्टार्ट करी, एक आध दवाई रह गई थी खांसी की तो वो पिला रही हूँ अब मैं यहाँ पे। और आज पूरा दिन इसी में लगने वाला है मेरा और कुछ नहीं होने वाला। और आज का व्लॉग भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बाय माय यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ।